हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे साथ एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है हर्ष। तो आज मैं आया हूँ खेरिया पदमपुर। यहाँ पे देखो एक छोटा सा डैम है, जैसे कि आप देख ही सकते हो ये डैम है। यहाँ से नाले का पानी निकलता है और वो सारे खेत पड़े हुए हैं और ये है पूरा जो भी इसका नाम है खेरिया पदमपुर। तो आज का ब्लॉग शूट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो और वो दूर जो देख रहे हो वहाँ पर है एक मंदिर और ये है डैम। इस पुल के थ्रू जाना पड़ता है हमको उस मंदिर के लिए। तो अभी हम चलते हैं उसी मंदिर में घूमने के लिए, तो आइए चलते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं उस मंदिर के साइड और ये देखिए यहाँ पे पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है, यहाँ भी ग्राउंड पड़ा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं जो कि मंदिर है आगे वहीं पर। तो गाइस वो देखिए वो सामने मंदिर है और इस जगह का नाम है खेरिया पदमपुर। तो वो सामने मंदिर है, हम उस मंदिर में जा रहे हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, मुझे ये जगह अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट करने के लिए आ गया। तो वो अभी नई जगह है तो हम अभी उसी जगह पे जा रहे हैं, तो आइए। तो गाइस ये देखिए फाइनली हम मंदिर पे आ गए। ये देखिए वो ये मंदिर है। तो अब मैं आपको अंदर जा कर तो नहीं दिखा सकता, उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। वो मंदिर है तो हम आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो अब मुझे पता नहीं है। हेलो गाइस, तो वो शंकर जी का मंदिर है जैसे कि आप देख ही सकते हो और अंदर पता नहीं किसका मंदिर है, मैं जानते नहीं हूँ। तो मैं आपको अंदर जाके तो नहीं दिखा सकता, उसके लिए सॉरी, बट आप यहीं से देख सकते हो। तो जैसे कि आपने मंदिर देख ही लिया होगा गाइस, मंदिर के थोड़े आगे जाके यहाँ पे एक रास्ता है कोई गांव के लिए, बट पता नहीं मुझे कौन से गांव के लिए रास्ता है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। तो उसका मुझे पता नहीं कौन से गांव का रास्ता है और मैं आगे जाना भी नहीं चाहता। तो ये पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है तो गाइस मैं आगे जाना भी नहीं चाहता क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ग्वालियर में बच्चे किडनैप हो रहे हैं और एक गैंग आ चुकी है बच्चों को किडनैप करने के लिए, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। तो वैसे भी आप भी अपने बच्चों को, अगर आप बच्चे हो तो आप संभल के रहें, यही मेरा कहना है। तो मैं आगे नहीं जा सकता तो मैं चलता हूँ वापस उसी जगह पे, तो आइए। तो गाइस मैंने आपको मंदिर घुमा दिया है तो मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी मोर हैं, आपको दिख रही हो तो वहाँ पर मोर बैठी हुई हैं सारी। और ये डैम का पानी है जो कि निकल रहा है और वहाँ से सूरज निकल रहा है। ये पूरा खेत डला हुआ है, इस साइड भी खेत डला हुआ है और वो बैठी है मोर जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो इस जगह पे मैं फ़र्स्ट बार आया था और अगर आप आए हो तो आपको तो सब पता ही होगा इस जगह के बारे में, और अगर आप नहीं आए हो तो मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया है। ये पता नहीं क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ से पानी निकलता है। देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये आप जगह आपको दिख रही है, यहाँ से ये पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकलता है और ये पता नहीं क्या है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना सारा झाग बन गया है। अब ये साबुन का झाग नहीं है, ना तो शैम्पू का झाग है, पता नहीं किस चीज़ का झाग है। देखो मैं आपको एक बार पीछे वाले बैकग्राउंड से दिखा देता हूँ कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से डैम से कितना मस्त पानी निकल रहा है और नज़ारा देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो मेरा मोबाइल गिर सकता है इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाई दिया है कितना मस्त नज़ारा लग रहा है वहाँ से दिखने में। तो वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है तो हम वापस वहीं पे जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं। तो हम वापस वही जगह पे आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा दिखाई दिया है तो इस हिसाब से मेरा ब्लॉग पूरा कम्प्लीट होता है। मैं भी इस जगह पर फर्स्ट बार आया था तो ये मेरा ब्लॉग पूरा कम्प्लीट होता है। तो गाइस अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने इस भाई के लिए एक बार ऐसा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।